अगर मुझे पार्टी से निकाला गया तो मैं 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर करूंगा और उन लोगों के नाम सामने लाऊंगा जिन्होंने जनता का पैसा लूटा। ये बयान बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल का है। येदियुरप्पा सरकार में 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। हर कोरोना मरीज के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया गया। बसन गौड़ा ने अपनी ही पार्टी को धमकी देते हुए उसकी पोल खोल कर रखी है। बीजेपी विधायक के इस बयान से एक बार फिर साबित होता है कि आखिर कर्नाटका में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार को 40% कमीशन सरकार क्यों कहा जाता था। न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाली बीजेपी कर्नाटका में महामारी के दौर में भ्रष्टाचार कर रही थी। आपदा में अवसर पैदा करने वाली बीजेपी ने कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों को नहीं बख्शा और जमकर लूट की। बकौल बीजेपी विधायक पाटिल, उस वक्त हमारी सरकार थी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर है। पाटिल ने खुलासा करते हुए बताया कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए का मास्क 485 रुपए में बेचा, मतलब सीधे तौर पर 440 रुपए की उगाही। बीजेपी के भ्रष्टाचार की ये पोल खोल तो बस एक राज्य की कहानी बयां करती है। सोचिए कितने बेकसूर आम लोगों की जान मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जब कोरोना में थाली बजवाई जा रही थी तब चोर दरवाजे से आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा था। यही बीजेपी है जो भ्रष्टाचार करने के मौके देखती है और खुद को बहुत पाक साफ बताती है।